तो हाय प्यारी स्टूडेंट, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आपका अपने चैनल सिलेक्शन कोचिंग में एक बार फिर से वेलकम करते हैं। तो आज हम लोग बच्चों की स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक जो हम लोग पहले ही एक वीडियो आपको मिल चुकी है, और उस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर अभ्यास जो चैप्टर वन है जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत बुक के सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो अरिहंत बुक के सोल्यूशन अगर कर रहे हैं तो चैप्टर वन जो चैप्टर मिस हुआ है बच्चों वो हम फिर से कर रहे हैं, और चैप्टर नंबर वन के जो अभ्यास पोर्शन है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे। आइए हम लोग क्वेश्चन 11 से करते हैं आज। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को बच्चों। क्वेश्चन जो हम लोग 11 करने वाले हैं बच्चों, उसमें से हम लोग कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, 10 तक करिए हैं, तो 11 नंबर हम लोग करेंगे बच्चों। यहाँ क्वेश्चन 11 क्या है आपके सामने, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने लग रहा है। कह रहा है 28,308 में आए 8 के दो स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखिए 28,000 है, 28,000 ये 11 नंबर है, 28,308 है बच्चों, और इसमें कह रहा दो जगह 8 है, एक जगह यहाँ और एक जगह, दोनों क्या स्थानीय मान, तो 8 का 3 अंक है तो 8,000 हो जाएगा, और ये 8 अकेला है तो अंतर करना है। अंतर का मतलब माइनस करते हैं बच्चों, अंतर का मतलब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कर लीजिए माइनस, कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बच्चों 9, यहाँ 9 और यहाँ 7, तो 7992 आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों अगला करते हैं, और क्वेश्चन अगला क्या है 12 नंबर करते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं 12 नंबर। और 12 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं लिखिए। अगर हमें 30 और 50 के बीच भाज्य संख्या लिखनी है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बीच ना कि 30 को लेना है, ध्यान दीजिए जी, 30 और 50 के बीच लिखनी है, तो 30 को नहीं लेना है ना तो 50 को लेना है, क्योंकि इनके बीच कह रहा है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा बीच कह रहा है। तो 30 के बाद क्या आएगा, तो कहेंगे सर 32 आएगा। भाज्य लिखना है, कंपोजिट नंबर लिखना है, भाज्य संख्या, फिर कहेंगे 32 के बाद सर 33 भी करता है, 33 किससे करता है, कहेंगे सर 11 से करता है, 3 से करता है, इसलिए भाज्य है। फिर बच्चों हम कहेंगे 35 भी करता है जी, 35 के बाद 34 भी तो करता है, 35 भी तो करता है, 36 भी तो करता है, यानी हाँ सर करता है, 37 नहीं करता लेकिन 38 करता है, 39 करता है, 39 के बाद 40 भी करेगा, इधर लिख देने 41 नहीं करेगा बच्चों, 42 कटेगा, 43 नहीं कटेगा, 44 कटेगा, 45 कटेगा, 46 कटेगा, 47 नहीं कटेगा, ये कटेगा नहीं कटेगा 47, तो 48 कटेगा। इतना हमें देखना था इन दोनों के बीच, अब संख्या में गिनना है, देखिएगा 3, 3, 6, 2, 8, 8, 3, 11 और 2, 13। तो ऑप्शन आपका कोई है, ऑप्शन एक कोई चीज मिस हो गया क्या बच्चे, एक बार मैं चेक कर लेता हूं फिर से, 32 के बाद 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, 36 के बाद 37 नहीं करता, 38 करता है, 39 कटेगा, 40 कटेगा, ठीक है, 42, 43, 43 किसी से नहीं करता, 44, यहाँ देखो, अच्छा 42 के बाद यहाँ 43 आएगा, 43 नहीं करता, 44 करता है, 45, 46, 47, 47 किससे करता है, 47, 47 भी नहीं करता है, 48 करता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन तो होने चाहिए, कह रहा है 30 और 50 को छोड़ करके, 30 और 50 को छोड़ करके, ठीक है, 30 और 50 को छोड़ करके, तो ये बात तो सही है, 30 और 50 को अगर हम छोड़ेंगे बच्चों तो आपका तो यही आना चाहिए, 30 और 50 को अगर छोड़ेंगे तो हमारा तो यही आना चाहिए आपका, ठीक है, यही तो आना चाहिए, ठीक है, 14 संख्याएं होनी चाहिए फिर 46, अच्छा ठीक है बच्चों, यहाँ 49 भी तो छूट रहा है ना, 49 तो छूट ही गया, ध्यान ही दे दीजिए क्योंकि 7 से तो भी कटेगा, तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, 14 संख्याएं हो जाएंगी, 14 आपका आंसर आएगा, ठीक है, ऐसे गिन लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिस हो जाएगा तो फिर एक बार गिन लेंगे अच्छे से, ठीक है ना, चलिए ठीक है। और अब लग करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग कौन सा करेंगे, कहीं क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो आपको 13 करने के पहले कुछ आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए सर, तो कहेंगे देखिए क्या आना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्या आना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ क्या आएगा, कहेंगे सर हमें रोमन पता होना चाहिए, रोमन का तरीका बता देते हैं, रोमन जो थे
रोमन देश था बच्चों, रोमन देश ने एक पद्धति अपनाई है जिसको रोमन पद्धति बोलते हैं, वो लोग गिनने के लिए यूज कुछ किए, पद्धति क्या यूज किए वो देखिएगा, वो लोग आई के लिए इसको यूज किए वन के लिए, इसी को डबल बार अगर लिख देंगे बच्चों, डबल बार लिख देंगे इसको टू पढ़े, लेकिन मैक्सिमम तीन बार ही लिख सकते हैं, फिर इसके बाद ये पांच लाए, इसके पांच दर्शाया जाता है, फिर वो लोग एल लाए, इसको 20 दर्शाया जाता है, यक्स छोड़ दिया गया, यक्स अभी को 10 मानते हैं वो लोग, एल मानते हैं 20, सी मानते हैं वो लोग, ठीक है ना, वो लोग सी भी मानते हैं बच्चों, ठीक है, यल को थैल, चलिए ये थोड़ा सा एल 20 नहीं होता, एल 50 होता है, दो बार एक्स लिख देंगे तो आपका 20 हो जाएगा, सी को वो 100 मानते हैं, ठीक है ना। अब डी क्या है आपका, डी आपका हो जाता है 500, और एम जो हो जाता है बच्चों इसको 1000 मानते हैं। तो ये चीज आपको अगर पता है बच्चों तो बिल्कुल कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना, अगर ये पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 30, देखिए क्या क्या लिखा है जी, 30 में क्या क्या लिखा है, कह रहा आई वी सी डी आई एक्स, इसका हमें क्या निकालना है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा होगा, इसका हमें मान निकालना है, ये नंबर में कितना गिना जाएगा बच्चों, नंबर में कैसे आएगा वो ध्यान दीजिए। कहेंगे सर ये तो 4 होता है, कैसे 4 होता है, नियम समझ लो, अगर कोई बड़े अंक, ये बड़ा अंक है, इसके पार अगर कोई छोटा अंक आएगा तो ये घटा कर पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये 5 होता है और ये 1 आएगा, इनके बीच का अंतर करके पढ़ा जाएगा तो ये 4 माना जाएगा। कहेंगे ये x है 10 होता है, इसके आगे छोटा है तो इसको घटा कर पढ़ा जाएगा, ये 9 पढ़ा जाएगा, तो बात समझ में आ रही है। कहेंगे हाँ सर समझ गए ये बात है क्या, तो देखिए ये 5 था, इसमें एक घटा दिया तो 4 है, ये 4 है, ठीक है 4 है। अब इसके बाद देखिए कितने अंक है, देखिए ये कितने अंक है इसको देखिए, देखिए ये आपका क्या माना जाएगा बच्चों, ये माना जाएगा क्या माना जाएगा, तो कहेंगे सर ये 100 होता है और ये होता है 500, ठीक है। तो हमने आपको समझाया है जब छोटा अंक आएगा, छोटे अंक के बाद कोई बड़ा अंक है, बड़ी संख्या है, तो घटा कर पढ़ा जाएगा, तो मतलब ये 400 ही तो माना जाएगा। कहेंगे हाँ सर, अब 400 माना जाएगा तो आपको ये बात समझ में आ गई, यहाँ 400 तो होगा कि नहीं होगा, और इसको अगर एक्सप्लेन करें बच्चों, 400 में तीन अंक होते हैं, 400 में तीन अंक होते हैं, मतलब इसके 3 जीरो होंगे, प्लस 400 होगा और प्लस ये 9 होगा, तो 44 09 आपका आंसर हो जाएगा, 44 09 आपका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है 44 09, हाँ ऑप्शन थर्ड, क्लियर। अगला करते हैं, नियम आपको अगर समझ में आ रहा है तो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जंग छेड़ दिए हैं और ये पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे और ये कंप्लीट करके ही रहेंगे, ठीक है। चलिए मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ आपके लिए, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाए, आपको कहीं घूमना ना पड़े, ठीक है। 40 नंबर कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे किसी सम संख्या से में जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहा है वह ऐसी संख्या बताइए, छोटी से छोटी बताइए, जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त संख्या क्या होता है, विषम होता हो, मतलब ऐसी संख्या आप बता दीजिए जिसको हम अगर सम में जोड़ दें तो वो भी विषम बन जाए, और सम में घटा दें तब भी विषम बन जाए। फिर से सुनिएगा, सम में अगर हम जोड़ देते हैं किसी संख्या को या घटा दें तो हमें विषम संख्या ही मिलनी चाहिए, ये आपसे कह रहा है। कहने का मतलब समझिए, ये ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन पहला है ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1 है, 2 है और 3 है, इन्हीं ऑप्शन में सही होगा। कोई लीजिए संख्या, कोई सम संख्या ले लीजिए, मैं मान लेता हूं 4 ले लिया, अब बताइए इसमें मैं अगर जोड़ दूं 1 तो कहेंगे सर ये 5 हो जाएगा और ये विषम प्राप्त हो रहा है, कहेंगे हाँ सर प्राप्त हो रहा है, फिर हम कहेंगे 4 है, 4 में घटा दो, क्योंकि क्या कहा है, जोड़ दें या घटा दे, दोनों स्थिति में क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा, तो घटा दीजिए तब भी तो आ रहा है विषम, मतलब दोनों में ऑड नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं, इसमें भी ऑड नंबर आ रहे हैं, मीन विषम संख्या आ रही है, तो ये बात तो सही आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन एक ही ऐसी संख्या है, वो सम में घटाओ चाहे सम में जोड़ो,
जोड़ने पर विषम मिलेगा और सम में वो घटाने पर भी विषम मिलेगा, मतलब जोड़ने और घटाने दोनों में विषम मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हमेशा चाहे किसी संख्या पे लगा लो तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक इसका राइट हो जाएगा 14 में। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 15 है, इसमें कह रहा 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। तो देखिए 10 और 20 के बीच ये तो गिनना आना चाहिए, 10 के बाद क्या होता है बच्चों, बीच अभाज्य संख्या 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19 होता है, फिर 23 होता है, और 23 नहीं जाना है, 20 तक ही जाना है। तो कितनी संख्या हो गई, कहेंगे सर चार संख्याएं हो गई। आपसे क्या पूछा था, कह रहा है कि कितनी संख्याएं होती हैं, तो चार संख्याएं होती, इसका आंसर चार हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका 15 में तीसरा सही हो जाएगा। क्लियर, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा अंत स्थानीय मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जिसको नहीं आएगा मुझे लगता है सब सीख गए होंगे, फिर भी देखिएगा। कह रहा चार का हमें क्या निकालना है बच्चों, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान और अंकी मान का अंतर करना। स्थानीय मान चार का निकालो, कहेंगे सर चार के बाद चार अंक हैं, चार जीरो बढ़ा दो, कहेंगे हाँ बढ़ा दिए जी, ये देखो बढ़ा दिए, बढ़ गया। कहेंगे सार जो आ रहा है उसका भी अंकी मान निकालना है, अंकी मान का मतलब फेस वैल्यू, मतलब जिसका बोलेगा वही अंतर, चार घटा दीजिए, अंतर ही तो बोल रहा है ना, अंतर का मतलब घटाना होता है, घटाइए, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 39,996। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए तुरंत। 17 नंबर जी, 17 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आप यहीं से बताइए दो अंक कहां से स्टार्ट होते हैं, कहेंगे सर 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 के बाद दो अंकों की कौन संख्या आती है अभाज्य, कहेंगे 10 के बाद 10 तो अभाज्य है नहीं, तो 10 के बाद कहेंगे 11 आएगी, तो 11 तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो अंकों की पूछेगा, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे आप, कहेंगे सर हमको पता है, क्या बताइए 11, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 11 आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यहां कह रहा है 80,905 को संख्यात्मक रूप में लिखिए। देखिए 80,000 बोला, तीन अंक इसके बाद होने चाहिए, 80,900 दो अंक होने चाहिए, 905 ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। रोमन संकेत पद्धत में सी का मान होता, अभी हम लोग सी पर देख रहे थे, सी को क्या बोलते हैं अभी हम लोग समझे हैं, क्या समझे एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूं। देखिए हमने बताया कि x को 10 मानते हैं, इसके पहले b को 5 मानते थे और एक है तो उसको 1 मानते थे, यही होता है। फिर हमने बताया आपको क्या c होता है, कौन कौन आते हैं बच्चों, आपको हमने बताया था क्या क्या होता है, यम भी होता है, सी भी होता है आपको, ठीक है ना, यल भी होता है। तो आपको बताया थे यल आपका कितना माना जाएगा बच्चों, 50 माना जाएगा, और सी क्या माना जाता है, 100 माना जाता है। फिर कहेंगे सर इसमें एक चीज और आता है, और वो क्या आता है, डी आता है, डी को कहते हैं सर 500 बोलते हैं, और एक एम आता है तो 1000 बोलते हैं। तो याद रखो माइनस में, माइंड में रखिए इसको, माइंड में रखिए, बिल्कुल आ जाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, 100, तो ऑप्शन आपका 100 हो जाएगा, सी को क्या मानते हैं रोमन में, 100, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जी, अगले क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा अनुवर्ती, तो 16,540 का अनुवर्ती। अनुवर्ती का मतलब अनु का मतलब आगे, अनु का मतलब आगे, इसको बोलते हैं सक्सेसर या प्रेडिसेसर, मतलब पीछे, तो आगे जोड़ दीजिए, तो 16,541 इसका आंसर हो जाएगा। एक जोड़ देने पर अगला पद मिलता है, मतलब अनुवर्ती मिलता है, घटाने पर पूर्ववर्ती मिलता है, पूर्ववर्ती को ध्यान रखना है, पूर्ववर्ती, ठीक है ना, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती को उत्तरवर्ती भी बोला जाता है, अनुवर्ती को पूर्व क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तरवर्ती भी बोल देते हैं। तो ये कुछ शब्द याद रखेंगे नहीं गलत हो सकता है, ठीक है, उत्तरवर्ती भी बोल देते हैं। तो गॉट इट, आपको ये सारा क्वेश्चन हो चुका है। अब बच्चों हम लोग जो नहीं किए हैं क्वेश्चन, जो अगला चैप्टर में हम इसी चैप्टर में अब प्रयास कीजिए वाला नहीं किए हैं, क्योंकि प्रयास कीजिए में अच्छे लेवल का क्वेश्चन देता है, तो हम लोग प्रयास कीजिए वाला चैप्टर भी करेंगे, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक था
तो कैसा लगा आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।